हमारी श्रीमती जी। अरे थैंक्स फॉर कमिंग विवेक, कांग्रेचुलेशन। ओके अरे थैंक यू। अरे वेलकम मिस्टर पटेल, अभी जाओ भाभी। ओके हेलो हेलो मिसेस देशपांडे। हेलो हेलो किशोरी, कितने दिनों के बाद मिल रही हो, क्या दुबली हो गई हो और तुम कितनी सुंदर। अरे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन थी। अरे ये तो आज भी ब्यूटी क्वीन है। रियली सचिन जी? दीदी सचिन ये हमारे पड़ोसी है, मिस्टर मिसेस जोशी। हेलो। और मेरा दोस्त भी, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। हाँ इसकी शादी ब्यूटी क्वीन के साथ हो गई और हमारे नसीब में ये। अरे क्या ये वैसे सुष्मिता वो तुम्हारी कॉम्पिटिटर आ रही है? नहीं मेरी कॉम्पिटिटर, इसका कहने का मतलब है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या कभी मेरी कॉम्पिटिटर नहीं हो सकती। अच्छा लेकिन ये तो कह रहे थे कि कॉलेज के आखिरी साल में ब्यूटी क्वीन की ट्रॉफी वही जीत गई थी। कब क्या बोलना चाहिए, जरा भी लिहाज नहीं। तुम्हें चलो 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 कूल दीदी, टेक इट इजी। एक्सक्यूज मी। हाय सचिन, कांग्रेचुलेशंस। देखो डार्लिंग, आज के दिन मूड मत खराब करना हा? और मेरे लिए तो तुम अब भी ब्यूटी क्वीन हो, और अगर तुम्हें ट्रॉफी चाहिए तो मैं खरीद के लाकर दूंगा। ओके कम। हेलो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुबारक हो सचिन। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। दीदी जीजू ऐश्वर्या भाभी, ये मेरी दीदी सुष्मिता और दीदी ये ऐश्वर्या भाभी। हेलो पांडे, मिस्टर देश पांडे। चले चलो आजा पांडे, बैठ बैठ, छोड़ सब छोड़। बैठ देश पांडे। मुझे लगता है आज इन दोनों का क्लाइमेक्स हो जाएगा। सचिन क्या तुम्हारी दीदी की गर्दन में दर्द है जो उधर ही देखे जा रही है? दीदी मिसेस पांडे आपसे कुछ पूछ रही है। स्माइल प्लीज। फोटोग्राफर फोटो तभी लेना जब मैं कहूंगी, ऐसे वैसे लोगों की फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी मैडम। पांडे इस बार पार्टी में वेटर्स भी रखे हैं। हो गया ये ले आ गई। एक और लाना है बाद में जल्दी। अच्छा ये बता कॉलेज की शांता देवी का क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है पांडे, बहुत बढ़िया है। और वो तेरी बैंक वाली सीनियर क्लर्क क्या कर रही है? सचिन अगर हमारी इस तरह इंसल्टिंग करनी थी तो हमें यहाँ इनवाइट ही क्यों किया? इनवाइट किया? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। दीदी तुम क्या कह रही हो प्लीज दीदी। हाँ हाँ ये तो एक्सपेक्टेड ही था, मैं भी देख लूंगी। ये तो मैं कॉलेज के जमाने से सुनती आ रही हूँ। अच्छा तो कॉलेज की जेलसी अब तक चल रही है? जेलसी? माय गॉड मुझे तुमसे जेलसी क्यों होगी? बोलो क्या है तुम्हारे पास? क्या है मेरे पास? अरे मेरे पास वो ट्रॉफी है ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, जो जूरी को पटाकर तुमने हासिल की थी और बाद में उससे शादी कर ली। जल्दी जल्दी पी ले, कभी भी बुलाओ आ सकता है। हाँ ऐसा तो हो सकता है। मैंने कहा जी। हाँ जी हाँ जी। मेरे वाली थी तेरे वाली थी? दोबारा आवाज पड़ेगी। चलिए मेरी वाली तेरे वाली मूड बना पांडे, दुश्मनी वाला मूड बना। सही है हा? अब एग्जिट ले। कल फोन करूंगा। ओके बात करेंगे। चलो दीदी रिचा। शुशु डार्लिंग प्लीज मूड खराब मत करना। देखो कोई कुछ भी कहे लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ऐश्वर्या ने ट्रॉफी चीटिंग करके जीती थी, और मेरे हिसाब से तो आज भी तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खड़ी हो जाओ ना तो नंबर वन पर आ जाओगी। सच कह रहे हो? यस डार्लिंग। अब थोड़ा सा हंस दो। हंसो 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 हंसो। मिस यूनिवर्स की स्माइल। अब चले डार्लिंग कम। चलो। अरे आइए आइए मिस्टर पांडे आइए। सर थैंक यू वेरी मच सर। ये किस लिए? सर आपने अपनी गाड़ी हमें दी इसलिए सर। आपकी पार्टी कैसे गई? टोटल फ्लॉप थी सर। मिसेस देशपांडे और मेरी वाइफ में दरवाजे भी झगड़ा हो गया सर। वो क्यों? कॉलेज के जमाने की जेलसी सर। कॉलेज के जमाने की जेलसी? जी सर। मिस्टर पांडे ये कॉलेज के जमाने की जेलसी है ना बहुत भारी पड़ती है। मेरी भी एक लड़के के साथ जेलसी थी उन दिनों में। क्यों? वो इसलिए कि हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। वो जिसे शादी करना चाहता था उसी से मैं शादी करना चाहता था। आज तक मैं उसकी शक्ल नहीं देखता। हाँ इसका मतलब उस लड़की ने उस लड़के साथ शादी कर ली? नहीं एन मौके पर वो पीछे हट गया और मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ी। मेरी शादी हो गई और मेरी फ्रीडम चली गई। जी चाहता है मैं अपने आप को गोली मार दूं। नहीं सर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सर आप रिटायर हो जाइए। है हाँ सर
वो क्यों? जब से मिसेस देशपांडे और मेरी वाइफ में झगड़ा हुआ तब से मेरी वाइफ को कॉम्प्लेक्स हो गया है सर। क्या? वो कहती है उनके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, हमारे पास क्यों नहीं? उसका मेरे रिटायरमेंट से क्या संबंध? सर आप रिटायर हो जाएंगे तो वो सब कुछ हमें मिल जाएगा ना। हैं? मैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी पढ़ा रहा था और तुम लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। मजाक कर रहे हो मेरा? एक एक को रस्टिकेट कर दूंगा। सारे कॉलेज के प्रोफेसर को तुम लोगों ने परेशान करके रखा है। चलो आउट आउट फ्रॉम हियर आउट इडियट। अरे कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? कौन सी क्लास में हो? बीए पार्ट वन। ओह बीए पार्ट वन। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया है? जी हाँ। किसने? मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने। ओह तो उसमें क्या हुआ? मुझे स्टूडेंट्स के नाम दे दो, मैं सबको रस्टिकेट कर दूंगा। सच? हाँ। और स्टूडेंट्स तुम्हें परेशान नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? तुम खूबसूरत हो, जवान हो। हा? कौन है? कौन है? एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? इडियट, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ क्लास में जाओ और लेक्चर्स अटेंड करो। जीजू मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, जाओ। तो ठीक है जीजू, मैं दीदी को ये स्टाफ रूम हवाले के बारे में बता दूंगा। अरे क्या बता दूंगा, ये एक स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट नहीं, लेक्चरर हूँ। लेक्चरर है? लेक्चरर है। पकड़े गए जीजू, पकड़े गए। शादीशुदा हो क्या आप? ये सब आपको शोभा नहीं देता। अरे क्या शोभा नहीं देता, मैं जिंदगी में इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज ही अपॉइंट होकर आई हूँ। सही, उससे क्या होता है? आप तो पकड़े गए जीजा जी। कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। 200 रुपए, 200 रुपए। 200 रुपए? लेकिन किस लिए चाहिए? मेरी रीचा ना रीचा, हाँ? वो मुझे रुटी हुई है। ओ। तो उसे मनाने के लिए कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ना जीजू। हाँ 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 हाँ, वो तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। ये लो। हा? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना। और अरे ये 200 तो दिए। सचिन ले गया सब। एनीवे, तो आप नाम बता रही हो ना? जी मेरा मतलब है स्टूडेंट्स के।